नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के ताजा खबरों के साथ हमारे संवाददाता ज्योति सिंह के साथ। खबर चैनपुर प्रखंड अंतर्गत पुरुपडीहा पंचायत के ग्राम लिदकी से है, जहां रंजीत सिंह चेरो मेमोरियल के बैनर तले नाइट कोस्को क्रिकेट टूर्नामेंट स्वर्गीय रंजीत सिंह व अमर शहीद जवान बिशुनदेव सिंह चेरो की स्मृति में भव्य नाइट कोस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेदिनीनगर भंडारिया पूर्व विधायक प्रत्याशी अभय सिंह चेरो, पुरुपडीहा पंचायत मुखिया पप्लू दुबे, पुलबुल दुबे, डॉक्टर मुखलाल चौधरी, राजमुनि सिंह इत्यादि ने सामूहिक रूप से टूर्नामेंट का उद्घाटन कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। आपको बताते चले, टूर्नामेंट के इस आयोजन में मुख्य रूप से स्थानीय लिदकी निवासी बीएसएफ जवान चंदन सिंह व झारखंड आर्म पुलिस बल के जवान गुरुदयाल सिंह की सार्थक सोच ने अपने निजी खर्च पर अमर शहीद जवान को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान के लिए यह नॉकआउट नाइट कोस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज कराया है। टूर्नामेंट के पहले दिन का मैच तल्या बबंडी बनाम कांके कला के बीच खेला गया, जिसमें कांके कला की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवरों में 8 विकेट खोकर मात्र 53 रनों का ही स्कोर खड़ा कर पाई। रनों का पीछा करने उतरी तल्या बबंडी की टीम ने शुरुआत तो अच्छी की थी, पर गोलू की शानदार गेंदबाजी ने 4 विकेट चटकाते हुए मैच में वापसी करते तो दिखे, परंतु टूर्नामेंट के इस पहले मैच में कांके की टीम को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मैच काफी रोमांचक रहा, जिसमें तल्या बबंडी की टीम ने 4 गेंद शेष रहते 9 ओवर 2 गेंद में ही 9 विकेट पर 53 रनों के स्कोर को पूरा कर 1 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। आइए देखते हैं लिदकी से नॉकआउट नाइट कोस्को क्रिकेट टूर्नामेंट की ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन, मैं हूं अजय कुमार, उपस्थित हूं चैनपुर प्रखंड अंतर्गत ये लिदकी ग्राम में, जहां पर रंजीत सिंह और शहीद बिष्णुदेव सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया है। यहाँ पे आज तमाम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं और यहाँ के लोकल स्थानीय लोग भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा कि इस मैच का उद्देश्य क्या रहा और कैसे आपने किससे प्रोत्साहित होकर ये मैच का आयोजन कराया। आप ये बताइए कि ये मैच का जो आगाज हुई वो क्या कारण था, कैसे कारण सोच यही है कि हमारे यहाँ रंजीत सिंह क्रिकेट क्लब इसलिए रखा गया क्योंकि रंजीत सिंह क्रिकेट का बहुत प्रेमी थे, कैप्टन भी थे इस समाज का, और हमारे बिशुनदेव सिंह जो शहीद हो गए आर्मी में कार्यरत थे, वो कश्मीर में जा कर के उनका ये था, पहाड़ी इलाका चाहे जो भी कहिए वहाँ पे उनका ड्यूटी था, उसी आवर में वो उनका तबीयत ख़राब हुआ चाहे जो भी होगा वो शहीद हुए, उन्हीं के दोनों का ले करके यहाँ पे मैच कराया जा रहा है कि यही रीज़न हुआ कि हम लोग का ये वो बना। हम लोग भी सेवा ही कर रहे हैं समाज का, हम लोग भी विभागीय से जुड़े हुए, चंदन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, हम लोग दोनों बीएसएफ से चंदन सिंह और जैप से झारखंड आर्मी पुलिस से ठाकुर दयाल सिंह, यानी मैं, हम लोग यही तो हम लोग सोचे कि ये लोग का नाम से दोनों सेवा ही कर रहे थे, समाज का ही लेकर चल रहे थे, इन्हीं को हम लोग याद में ये मैच को कराया गया। और जैसा कि इन्होंने जानकारी दिया कि अगर ये रंजीत सिंह कहीं ना कहीं क्रिकेट के प्रेमी भी थे और शहीद बिष्णुदेव सिंह वो आर्मी में कार्यरत थे, लेकिन किसी कारणवश वो अपने देश की रक्षा में वो तैनात थे और उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई, आज उनके नाम से ये टूर्नामेंट का आगाज कहीं ना कहीं समाज को ये संदेश जा रहा है कि अगर आपकी जीवनचर्या या फिर आपने समाज को कुछ दिया है तो आपको जन्मों जन्मांतर तक याद रखा जाए, ऐसा इन्होंने प्रयास किया है। इसके लिए मैं आप सभी आयोजककर्ताओं को अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब मैं बात करूँगा यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं उनसे कि आज के इस मैच में इनको उपस्थित होकर क्या महसूस हो रहा है। हमारे बीच पप्लू दुबे जी हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कैसा लग रहा है भैया, चूँकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, इनके आयोजनों से क्या अनुभव हो रहा है। इस क्षेत्र में पहली बार हमारे पंचायत के नौजवानों ने रंजीत सिंह मेमोरियल नाइट टूर्नामेंट का जो आयोजन किया है इस क्षेत्र में पहली बार किया है, और हमारे नौजवान में इतना ऊर्जा है कि ये लाइटिंग व्यवस्था भी देख रहे हैं, ये कोई टेंट का नहीं है, इन्होंने अपना पैकेट से व्यवस्था किया है। मैं इनके जज्बा को सलाम करता हूँ
और हमसे जो भी सहयोग बन पड़ेगा मैं इनको आगे बढ़ने में हर कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हूँ। जिस प्रकार से जनता यहाँ की तेज तराज है, समझदार है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है उनका भी कहीं ना कहीं ये मंतव्य है कि ऐसे आयोजकों के लिए जो भी सहयोग होगा वो हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे बीच अभय सिंह चेरो जी उपस्थित है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के यहाँ के युवाओं के लिए? सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों को और यहाँ पर उपस्थित मंच पर जनप्रतिनिधि लोगों को, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे छोटे से गांव, ये लिदकी गांव जो है, ये वीर शहीदों का गांव है। इस गांव से हमारे विष्णुदेव जी और यहाँ रंजीत सिंह जी जैसे महान लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया है और साथ ही साथ ये नाइट टूर्नामेंट होने के कारण यहाँ के नौजवानों को एक मौका मिलेगा। हम लोग पहले सुना करते थे नाइट मैच के बारे में, लेकिन आज ये गौरव की दिन है, गौरव की बात है। यहाँ के आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने गांव में नाइट मैच का आयोजन किया है और अपने इस क्षेत्र के नौजवानों को यहाँ खेलने का मौका मिलेगा और जो आने वाले भविष्य हैं उन लोगों को भी देखकर खेल में रुचि रखने का और यहाँ पर नौजवानों का एक उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं कमेटी को अपनी ओर से जितना हर संभव जो भी हेल्प होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। कहीं ना कहीं ऐसे समाज सेवी जो लगातार क्षेत्र में कहीं ना कहीं युवाओं के प्रति सचेत रहते हैं, जो युवा इनको आज सम्मान दिया है, इन्होंने भी कहा कि जो भी संभव होगा हमसे, जो भी सहयोग होगा वो हर संभव हम प्रयास करेंगे। हमारे गार्जियन है, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या संदेश देना चाहेंगे सर ऐसे युवाओं के प्रतिभाओं को निखारने के लिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं? जो हो रहा है ये पतरिया पंचायत और पुरडीहा पंचायत के मध्य का मैच है और पहले इससे पहले भी दो तीन मैच हुई है तो दिन में ही हुआ था, लेकिन कुछ लोग बोले कि नहीं इसे हम लोग नाइट में करवाएंगे तो हम लोग के बहुत अच्छा है, तो बोले कि सहयोग के बारे में हमने बोला कि जो भी सहयोग हो हम लोग सहयोग करते हैं, सहयोग अभी भी करेंगे। और इस मैच के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं जैसे सती सिंह हो गए, ठाकुर दयाल सिंह जी हो गए, चंदन सिंह जी हो गए, संजय यादव जी हो गए, हमारे मुखिया संतोष कुमार दुबे जी भी हो गए, गार्जियन राजमुनि सिंह जी हो गए, इनका अहम भूमिका रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि अगला कार्यक्रम जो होगा इससे हम लोग विधिवत रूप से कार्यक्रम कराएंगे, इन्हीं सब लोग साथ हम मानिक विराम देते हैं। कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है तो जनप्रतिनिधियों का हमेशा ये आश्वासन रहा है कि अगले बार जो कार्यक्रम होगी इससे भी भव्य तरीके से होगा। और इन तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए भी हमारे चैनल की ओर से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे नौजवानों को हौसले को बुलंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी तारीफी की बात है कि यहाँ जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, जो नौकरी पेशे पर रहते हुए भी यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते या यहाँ के समाज के जो अगुआ लोग थे जिनको यादगार में जिनके शहीद के अवसर पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज रेवोल्यूशन के लिए। खबरें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।